पढ़ना नहीं है। मंदिर बना, बन गया यार, अब उसको कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा भाई। अब अगर बीजेपी ही इस सारे चीज को, खासकर मंदिर को, पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहे तो वो उनकी मर्जी है ना। तो यही चाहेंगे कि मजहब और सियासत जो है उनको थोड़ा अलग रखा जाए। कहीं पे अगर 10 साल हुकूमत में रहने, अगर 10 साल हुकूमत में रहने के बाद भी बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए मजहब पे वापस जाना पड़े तो कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत फेल हो गई। क्योंकि 10 साल के बाद अगर यही है लोगों को दिखाने के लिए और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी से इस तरह के सवाल किए जाएं और लोग के जरिए और वोट के जरिए इन सवालों का जवाब आ जाए। उमर साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि वो 6 की 6 सीटें, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, वो पार्लियामेंट्री जीतने वाली है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस बिल्कुल आश्वस्त है इसको लेकर। तब आप क्यों खामखा झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे झगड़ा है नहीं? अभी तक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेके कोई बातचीत हुई भी नहीं है। हमें बातचीत करने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कौन कहां से लड़ेगा। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि फिलहाल जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेके 3 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के पास हैं और 3 बीजेपी के पास। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 6 की 6 सीटें जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास रहें। बाकी कौन कहां से लड़ेगा उस पर हम जो है आगे जाके कांग्रेस से बात करने के लिए जो है हम तैयार हैं। लेकिन ये जो आप 6 की 6 सीट की बात कर रहे हो, ये खामखा बिना वजह आप फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और सर, लगता है कि आपकी इस पे बात बन जाएगी कोलिशन, जो आप कह रहे हैं कि सीटों सीट शेयरिंग को लेकर, कि अनंतनाग सीट को लेकर मैं आपको ओपिनियन लेना चाहती है कांग्रेस से, ये भी जोड़ा आपने बात कम करो ना। लड़ना तो बहुत लोग चाहते हैं, वो छोड़िए ना, कौन लड़ना चाहता है कौन नहीं लड़ना चाहता, आप हमें बात करने दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा, 3 सीटें तो पहले ही इंडिया अलायंस के पास है, उनपे तो बहस करने की जरूरत नहीं है। जो 3 सीट बीजेपी के पास है उनको हम बीजेपी से कैसे वापस ला सकते हैं, उसके लिए हम बातचीत करेंगे। सर, व्हाट्स योर राइट? पर सर, अकॉर्डिंग टू यू, शुड द इंडिया अलायंस बी समवन, प्रोजेक्ट समवन एज द प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस, पॉइंट नंबर 1? एंड पॉइंट नंबर 2, उमर साहब, यंग लीडर्स आर लीविंग द कांग्रेस पार्टी, डू यू थिंक दैट कांग्रेस पार्टी इज फेलिंग टू रिटेन सम ऑफ इट्स नेक्स्ट लीडर्स? जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हो और कांग्रेस से लोगों का आना जाना, सियासत में ये रहता है, आया राम गया राम का सिलसिला जो है ये हम पहली बार नहीं देख रहे, ना ये आखिरी बार होगा। पॉलिटिक्स में इस तरह का जो चर्निंग है ये रहता है। अब किस क्यों गए, जाने के बाद क्या हासिल किया, वो जो जाने वाले हैं वो खुद ही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक आपके पहले सवाल का है कि क्या इंडिया अलायंस को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किसी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, इस पे फिलहाल इंडिया अलायंस में कोई बहस नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि मेरे तरफ से या फारूक साहब के तरफ से हम पहले मीडिया के सामने ये बात करें फिर इंडिया अलायंस में ये बात करें, ये गलत होगा। इंडिया अलायंस में ये सवाल उठने दीजिए, अगर वहाँ पे इस तरह का कोई डिस्कशन होता है कि क्या हमें प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस के लिए किसी को कंसीडर करना चाहिए, हमारी जो व्यक्तिगत राय है वो हम उस वक्त उनके सामने रखेंगे। फिलहाल इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। क्या लगता है कि कितना सही निर्णय है कांग्रेस का कि उन्होंने राम मंदिर का? अब ये सवाल आप कांग्रेस से पूछे ना, ना हमें कोई दावतनामा आया है, ना हम जा रहे हैं। अब कांग्रेस को आया नहीं आया, वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या लेना देना?
ये सवाल कांग्रेस के लीडर यहाँ जम्मू में है, आप अपना कैमरा ले लीजिए और उनसे पूछिए। पार्टी न्याय यात्रा नेशनल कांग्रेस, हमें जहाँ तक मुझे मालूम है फारूक साहब को और मुझे भी राहुल गांधी जी के तरफ से और खड़गे साहब के तरफ से दावतनामा आया है। अब मशवरा आपस में कर लेंगे और जहाँ मुमकिन हुआ जाने की कोशिश करेंगे। सर कुछ सर अगर राम As far as your second question is concerned, I think that's a question that the Kashmiri Pandit community needs to ask itself and needs to do so with some degree of honesty. Because my own sense is that the return of Kashmiri Pandits to the valley has received a setback in this government rather than being taken forward. It is during this government's term and particularly in the last year or 2 years that we saw a concerted move on the part of those Kashmiri Pandits that were working in the valley, demanding that they be resettled outside of Kashmir Valley, which is a phenomenon only of the recent years. As far as the anniversary is concerned, it remains a dark day. The National Conference, the National Conference's leadership has always believed that Kashmir Valley is incomplete until those people who left the valley in this turmoil are able to return, but return of their own free will. We hope that a situation is created in the valley that those who left because their lives were at risk are able to at least consider returning. The truth is that at this point in time, given the way militancy has spread and re-emerged in areas that were hitherto clear of militancy, particularly Rajouri Poonch, I fear that the process of return has been delivered a setback in the last few years rather than being taken forward. Umar Saab, one last question.